सो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स मिशन यूएसए फैंस, आपके लिए बिग बॉस 15 का हाउस अब पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही कंटेस्टेंट घर में एंट्री लेंगे, लेकिन 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 उससे पहले आपको बिग बॉस के घर की तो एंट्री और वहाँ का सफ़र पूरा दिखाना बनता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बिग बॉस के घर में हूँ और अब धीरे धीरे आपको हाउस पूरा रिवील करने वाले हैं कि जिस तरह से इस बार जंगल थीम रखा गया है, तो कैसे पूरी थीमेटिक तरीके से घर को तैयार किया गया है। पूरा जंगल का ध्यान रखते हुए, जंगल की थीम का ध्यान रखते हुए घर को तैयार किया गया है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक बहुत ही आलीशान तरीके का क्रिएचर क्रिएट किया है, जहाँ पर बहुत ही डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं और लाइट्स हैं ऊपर, जिसकी वजह से ये और अच्छे से निखर कर दिख कर आ रहा है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, पूरा गार्डन एरिया है एक तरीके से। यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हमेशा खड़े रहकर धूप को एंजॉय करते हैं, बारिश को एंजॉय करते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ घर का जो माहौल होता है, गर्मा गर्मी, गहमा गहमी, वो सब भी यहाँ देखने को मिलती है। कई तरीके के टास्क आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आपको बता दें, ये है ये सिटिंग एरिया, जहाँ पर कई बार कंटेस्टेंट को आपने बैठे हुए देखा होगा, और यहाँ पे बैठ के काफ़ी सारी चुगलियाँ चलती रहती है, काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स भी यहीं पर बैठकर होते हैं, एंड बहुत इंजॉय करते हैं लोग इस व्यू को भी, इस जगह को भी। एंड आप देख सकते हैं, बहुत ही थीम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा एक वाइब क्रिएट किया गया है यहाँ पर जंगल का। ये भी एक कांच से पूरा ढका हुआ एरिया है, जहाँ से कंटेस्टेंट्स अंदर की तरफ जाएंगे। तो वेल, हम इस एरिया पे बाद में आएंगे, लेकिन हम यहाँ आते हैं। सी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा और एकदम ख़ास तरीके का सिटिंग एरिया दिया हुआ है, जो देखने में बहुत ही प्रिटी है। मैं चाहूँगी कि मेरा कैमरा पर्सन दिखाए इस बहुत ही बेहतरीन से एरिया को। वेल, यहाँ पर दो तीन लोग एक साथ बैठते हैं, लेटते हैं, जो भी करेंगे, और भरपूर यहाँ से भी आपको गॉसिप सुनने को मिलने वाली है। वेल, तो हम थोड़ा सा और आगे की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट्स एक साथ यहाँ पर बैठ जाते हैं, कई बार फाइट्स करते हैं, कई बार यहीं पर बैठकर टास्क करते हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ की भी सिटिंग काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रखी गई है, ताकि लोग बैठ भी सके, इंजॉय कर सके, और अच्छे से एक जो खुशनुमा माहौल होना चाहिए, जिस तरीके से साथ में बैठ कर इंजॉय करना चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूरी सिटिंग एरिया है इन लोगों की, यहाँ पर ये लोग बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, फाइट्स भी करेंगे और प्यार से भी रहेंगे एक दूसरे के साथ में। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, इन लोगों ने पूरी थीम रखी है जंगल की। सो आप देख सकते हैं, ये कुछ डिफरेंट तरीके का पैलेट यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि एक प्लेट के शेप में है। आई डोंट नो इसमें क्या चीज़ें रखी जा सकती है, लेकिन ये दिखने में बड़ा प्यारा दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा जा रहा है इस वॉल पर, इस पूरे तरीके से। एंड साथ ही साथ कैमरास तो आप देख ही सकते हैं, बिग बॉस के घर से कैमरे छूट जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो कई कैमरास लगे हुए हैं। एंड मैं चाहूँगी कि अब हम दूसरी लोकेशन पर आए। तो हम आ चुके हैं गार्डन एरिया के सबसे अहम और ख़ास एरिया में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूल एरिया है। यहाँ पर पूल में काफ़ी कुछ अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे क्रिएचर्स यहाँ पर भी रखे गए हैं, काफ़ी थीम को ध्यान में रखते हुए पूरा जंगल का फील दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें ये स्विमिंग पूल की, तो कई बार आपने पिछले सीजन्स में भी कंटेस्टेंट को देखा होगा, जहाँ पर वो इस पूल में ऊपर से जंप मारते, कई बार सलमान यहाँ पर बड़े सारे टास्क करवाते हैं इस पूल में। और जैसा कि मैंने आपको कहा, ये पूल को भी फैंस बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ से कई तरीके के मोमेंट्स देखने को फैंस को मिलते हैं। कि हमने आपको कहा, जंगल का थीम है, इसी जंगल के रास्तों से सभी कंटेस्टेंट को घर के अंदर जाने का रास्ता मिलने वाला है। एंड साथ ही आप देख सकते हैं, ये पेड़ इन्हें नॉर्मली डिज़ाइन नहीं किया गया है, इनके ऊपर छोटे छोटे लैंप्स लगे हुए हैं, जो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। और ये सिर्फ एक पेड़ पर यह एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है, मैं चाहूँगी कि ये वाला भी पेड़ दिखाए, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे येल्लोइश लाइट में अंदर क्रिएट किया हुआ है इस क्रिएचर को।
थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ मोतियाँ भी लटके हुए हैं, साथ ही साथ फ्लावर्स भी है और लाइटिंग भी है और लैम्प्स जैसे शेप का जो क्रिएट किया गया है इस पेड़ को डिज़ाइन करने के लिए, ये भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइट जो सूदिंग लाइट है और बहुत ही ग्रेट फील दे रही है कहीं ना कहीं, सो ये आप इंजॉय कर सकते हैं। सो हमने आपको पूरा गार्डन एरिया दिखाया, लेकिन गार्डन में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमको मिसिंग लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब तक जिम एरिया नहीं दिखा हुआ है, एंड एज यू नो सेलिब्रिटीज़ आएंगे तो सेलिब्रिटीज़ हमेशा फिटनेस फ्रिक बहुत ज़्यादा होते हैं और हमेशा आप उन्हें जिम करते हुए भी देखते हैं, जहाँ पर जिम के वक्त में भी कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। सो जिमिंग एरिया हमको मिसिंग दिखाई दिया, जो कि हो सकता है आने वाले समय में शायद वो डिज़ाइन होके दिख जाए। एंड इसी के साथ साथ आपको एक और एरिया, एक और ख़ास एरिया बता दें, जो कारावास एरिया, जेल एरिया होता है। आई डोंट नो इस बार जेल एरिया दिया हुआ है या नहीं, पर कंटेस्टेंट को हमेशा पनिशमेंट मिलती है और उन्हें वो पनिशमेंट अब जंगलों में रहकर मिलने वाली है या मेन घर में मिलने वाली है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो हमेशा हमें गार्डन एरिया में दो एरियाज देखने को मिले हैं, जिम एरिया और जेल एरिया, ये दोनों फ़िलहाल के लिए गार्डन एरिया से मिसिंग है। साथ ही साथ हम इस रास्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये एक डोर की तरह नज़र आ रहा है, हो सकता है कि शायद कंटेस्टेंट की जो ग्रैंड एंट्री है वो मेन डोर से, इस डोर से ना होकर, और शायद वो जंगलों के रास्ते से अपना जो सफ़र है वो तय करके इस घर में, इस मेन घर में एंट्री लेंगे। ब्रेकिंग एरिया है जहाँ पर कई बार कंटेस्टेंट आपको यहाँ से भी बात करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो इस एरिया को यहाँ पर बनाया गया है और ये एक रूम जहाँ पर आपने कई बार कंटेस्टेंट को खड़े रहते हुए देखा रहेगा, तो ये भी एक रूम का ही एरिया है, ये जो गार्डन में स्थित है वहीं पर बनाया गया है। और जैसा कि कहा जाता है कि हमेशा जंगल थीम है, सो जंगल का पूरा फील यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। वेल, तो इसी के साथ साथ गार्डन एरिया आपको ख़त्म होते हुए अब नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप ये पेड़ देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आलीशान है और काफ़ी मुड़ा हुआ सा है, एंड एज यू कैन सी यहाँ पर भी काफ़ी लाइटिंग्स है, काफ़ी डिफरेंट तरीके से इस पेड़ को तैयार किया गया है और बहुत ही अच्छा एक कंफर्टेबल सिटिंग भी है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक बैठ भी सकते हैं यहाँ पर कंटेस्टेंट इसकी छाँव में, और पता नहीं इसकी छाँव कंटेस्टेंट की गर्मा गर्मी और गहमा गहमी को कितना शांत कर पाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप ये घर का जो गार्डन एरिया है इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। ये पूरे गार्डन एरिया में आपने कई बार कई सारे टास्क होते हुए देखे होंगे, जहाँ पर कंटेस्टेंट एक दूसरे के कंपटीशन में आकर कई बार बहुत ही ज़्यादा झड़प करते हैं, कई बार अच्छे अच्छे मोमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बस यही है, यहाँ पर धीरे 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 अब ये जो गार्डन एरिया है पूरा, जो जंगल थीम के ऊपर पूरा डिसाइड है, वो अब आपको यहाँ पर एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। वेल, सो आप देख सकते हैं अब मैं फाइनली बीबी हाउस में एंटर हो चुकी हूँ। बिग बॉस 15 का ये आलीशान घर जल्द ही आपको दिखने वाला है, जहाँ पर एंट्रेंस पर ही ये बहुत ही अच्छा एक डिज़ाइन किया गया क्रिएचर है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, और यहाँ पर एक LED भी लगी हुई है। अब इस LED स्क्रीन पे क्या आने वाला है, कौन सी अपडेट्स उनको मिलती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर भी कैमरास लगे हुए हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं पूरी जंगल थीम का ध्यान रखते हुए सब कुछ जंगल की तरह क्रिएट किया गया है। पेड़ पत्ते जानवर हर एक चीज़, हरियाली हर एक चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। वेल, धीरे धीरे हम अंदर की तरफ रुख करेंगे।
वेल सो ये भी एक कंफर्टेबल सिटिंग एरिया है, साथ ही साथ ये मिरर जिसका आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इसके फ्रेम को इन्होंने कहीं ना कहीं कैप्चर किया है, और बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने पत्तियों का इस्तेमाल किया है और इतने सोबर फ्लावर्स यूज़ किए हैं कि इतने सूदिंग लग रहे हैं आँखों को कि ये बस बताया ही जा सकता है दिखाकर। और चलिए हम मूव करते हैं आगे की तरफ। वेल सो ये रहा किचन एरिया जहाँ पर खाना ही नहीं बनता है, खाने के साथ साथ कई सारी बातें भी बनती है, जो आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर जो भी किचन की कमान संभालता है उसके कई बार घर वालों के साथ को कंटेस्टेंट्स के साथ लफड़े होते हैं, क्योंकि उनके खाने का टेस्ट कई बार उनके जो ग्रजेस है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, वो उनके खाने में निकल कर चली आती है। और यही एक कारण है कि कई बार आपने देखा होगा यहाँ से जो शुरुआत होती है झगड़ों की वो फिर खाने तक पहुंच जाती है। वेल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इन्होंने प्लेटफॉर्म जो है पूरा वो क्लीन रखा है, एंड साथ ही साथ कुछ ड्रॉवर्स भी वहाँ पर दिए हुए हैं जिसके ऊपर थीम को ध्यान में रखते हुए पूरी वैसे ही ड्रॉर्स उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी पत्तियाँ लगी हुई है, ग्रास लगे हुए हैं, एंड मैं आपको खोल के एक दिखाना चाहूँगी। सो इस तरीके का कुछ रहेगा। ये सिंक एरिया है जहाँ पर कई बार सिंक में भी बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती है, तो जिसे क्लीन करने के लिए रिक्वायरमेंट लगती है, एंड दीज आर द थिंग्स विच इज़ लॉक्ड। पर आप देख सकते हैं कि ये स्टोर करने के लिए बेसिकली जो उनके खाने पीने की चीज़ें हैं उसे प्रॉपरली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस एरिया को। और ये किचन एरिया बहुत ही ज़्यादा खास होता है फैंस के लिए, जहाँ पर फैंस विजुअली इस जगह को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वेल सो आप यहाँ पर एक बेड एरिया भी देख सकते हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छा एक कुशन भी लगा हुआ है, एंड इसको भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी फ्रेमिंग आप देख रहे हैं, एंड पूरा ग्रीनरी एंड ग्रीनरी का ध्यान रखते हुए पूरा ग्रास इस्तेमाल किया है, फ्लावर्स इस्तेमाल किए, पत्ते इस्तेमाल किए हैं। वेल सो ये जंगल की तरफ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम जंगल की तरफ जा रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं, हम जंगल की तरफ के बाथरूम वाले रास्ते में जा रहे हैं जहाँ पर उनका वॉशरूम एरिया दिया हुआ है सभी कंटेस्टेंट सी। यहाँ पर एक सिटिंग भी है, जैसा कि आपने प्रीवियस सीजन्स में भी देखा होगा कि बाथरूम एरिया में भी आपको प्रॉपर एक सिटिंग मिलती है जहाँ पर दो तीन कंटेस्टेंट रहकर बातें कर रहे होते हैं, किसी ना किसी को डिस्कस कर रहे होते हैं। और ये हम आ गए हैं वॉशरूम एरिया में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी ग्रीनरी है। सो बेसिकली इट्स अ जंगल का थीम, सो थीम को अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए, उसे ही मद्देनज़र रखते हुए ये पूरे एरिया को डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर कंफर्टेबल सिटिंग्स है, साथ ही साथ एक बड़ा सा कुशन भी रखा हुआ है, बड़ा सा एक सोफ़ा है जहाँ पर सभी कंटेस्टेंट तीन चार लोग एक साथ बैठेंगे। ये स्टोरेज के लिए है, जहाँ पर कुछ जो कंटेस्टेंट के रिलेटेड जो भी उनके एसेंशियल्स होंगे वो यहाँ पर स्टोर किए जाएंगे, स्टोर रूम एरिया बोल सकते हैं इसे, जहाँ पर कंटेस्टेंट अपने अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें रखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कैमराज लगे हुए हैं, क्योंकि स्टोरेज एरिया में भी काफ़ी बार कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, क्योंकि आपके सामान मेस्ड अप पड़े होते हैं, कंटेस्टेंट एक दूसरे पर इस बात को लेकर भड़क रहे होते हैं कि उनकी चीज़ें यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ रखी हुई है। सो ये एक स्टोरेज एरिया है, इसी से थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे, और ये आप देख सकते हैं ये है प्रॉपर वॉशरूम एरिया, जहाँ पर यहाँ पर भी खड़े रहकर कंटेस्टेंट कई बार फाइट्स करते हैं, कई बार इनके गुड मोमेंट्स भी यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। और ये रहा जहाँ पर मिरर लगा हुआ है उनके वॉशरूम में डोर पर, और ये है उनका प्रॉपर वॉशरूम एरिया। जंगल की थीम को मद्देनज़र रखते हुए पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ग्रीनरी को पूरा सिलेक्ट किया गया है, और यही एक रीज़न है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा पत्ते देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा उसी डिज़ाइन की चीज़ें, उसी तरीके की थीम की चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर भी एक ये मिरर लगा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्ट मिरर, ये एक डोर ही है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि ये डोर एक्चुअली में किस चीज़ के लिए है। अब ये डॉक्टर रूम में जाने के लिए जो मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है कई बार कंटेस्टेंट्स को, तो उसके लिए है, या फिर यहाँ से कोई और रास्ता निकलता है, ये तो जब
शो शुरू होगा तभी प्रीमियर नाइट में पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ये सीक्रेट, क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा है सो हम अंदर की चीज़ें आपको नहीं बता सकते कि क्या है, लेकिन ये भी एक डोर ही है। आप इस झूले पर मुझे झूलते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ झूलता हुआ झूला नहीं है, यहाँ से कई बार कंटेस्टेंट जो है वो बहुत सारे झगड़े यहीं से झूलते हुए बाहर आते हैं, और कई बार वो खुश होते हैं तो कई बार वो नाराज़ होते हैं, कई बार वो परेशान होते हैं कंटेस्टेंट से, और यही एक कारण है कि आपको इस झूले पर बहुत सारे मजाक मस्ती दो दो लोग, तीन तीन लोग, कई बार एक ही लोग देखने को मिलने वाले हैं। और ये गार्डन एरिया में है जहाँ पर लोग सनलाइट भी इंजॉय करेंगे, मौसम को भी इंजॉय करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको शो देखकर शो भी इंजॉय करने वाले हैं। पर गार्डन एरिया में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक सिटिंग भी है दो लोगों की, और टेबल है यहाँ पर जहाँ पर लोग बैठकर चाय पियेंगे, चुस्कियाँ लेंगे, और साथ ही साथ चाय पर चर्चा ज़रूर करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा हर मॉर्निंग कंटेस्टेंट यहाँ पर बैठकर धूप इंजॉय करते हैं, मौसम इंजॉय करते हैं, साथ ही साथ कई बार यहाँ पर लफड़े और झगड़े भी होते रहते हैं। वेल, तो आपको बता दें कि 2 अक्टूबर से शो शुरू होने वाला है। जल्द ही फैंस को बहुत ही इंतज़ार था बिग बॉस 15 का, जो जल्द ही उनका इंतज़ार पूरा होगा, लेकिन तब तक के लिए आप इस विजुअल ट्रीट को देखकर एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कंटेस्टेंट आपको घर के अंदर भी नज़र आने वाले हैं, और आप इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अनुराधा ठाकुर, ग्लिट्स विजन USA।